हेलो फ्रेंड्स, आज हम निकल रहे हैं शिलोंग के लिए। तो बहुत गर्मी है, आसाम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया, तो थोड़ा सा सोचा कि थोड़ा सा नेचर के साथ थोड़ा सा ठंडा ठंडा फीलिंग लेके आना चाहता हूँ हम भी थोड़ा सा। तो इसलिए हम निकला है शिलोंग का ट्रिप में, दो दिन का ट्रिप है हमारा। तो शिलोंग जाने वाला है, जो शिलोंग जाके आएगा तो मेरे साथ छासा है। छासा तो अभी स्टार्ट हो गया, गिटार के साथ गिटार लेके जाएगा, बोला है छासा ठीक है चलो लेके जाएगा हम लोग। तो छासा भी पूरा रेडी है, तो अभी हम आधा रास्ते में है तो आराम से जा रहा है अभी। तो छासा भी एक यूट्यूब चैनल खुलेगा, ऑलरेडी है उसके पास, लेकिन वो गोप्रो लेके आया है, गोप्रो। तो ये फीलिंग लेना है हमको पहाड़ में जाके, पहाड़ का बीच में जाके। अभी हम जराबाद पहुंच गया और यहाँ से शिलोंग 80 किलोमीटर्स, तो ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ यही जराबाद है, ये जराबाद ब्रिज। और आपको रास्ता में आपका पाइनएप्पल का दुकान मिलेगा, मतलब कितना खूबसूरत नज़ारा और क्या बोलूँ। पूरा रास्ता में आप नेचर के साथ इंजॉय करके जा सकते हो, कितना अच्छा फीलिंग होता है। तो देखो वहाँ पे कितना खूबसूरत नज़ारा है, वो जो क्लाउड्स है, अभी बारिश आएगा जैसा भी लग रहा है, तो पूरा ठंडा है फीलिंग है, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है अभी। तो देखो वहाँ पे स्काई को। तो भाई अभी बारिश मिल गया आधा रास्ता में हम लोगों को, तो अभी थोड़ा साइड करके गाड़ी रखा है हम लोग। पूरा बारिश आ गया अचानक से, तो देखो इतना अचानक से मतलब कैसे वेदर चेंज हो गया ना। तो वहाँ पे कितना गर्मी है और यहाँ पे इतना ठंडा, तो सासा तो पूरा भीग गया है। तो बारिश दिया था इसलिए थोड़ा रुका था हम लोग, तो अभी और स्टार्ट किया है जर्नी फिर से, अभी बारिश कमती हो गया। तो अभी हम उमियाम मिलने वाला है, बोरा पानी हुआ है, तो इसका नीचे से जाना पड़ेगा। सीधा आप लोग सिलसर जा सकते हो, जुआई जा सकते हो, या बाईपास है, यही है बाईपास, और हमको इस साइड में जाना है। ओह माय गॉड, व्हाट ए व्यू यार। तो हम व्यू पॉइंट पहुंच गया अभी, तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत आदमी है, तो सिग्नल मारो। ऐ सासा कैसा लगा भैया? फाइनली हम लोग पहुंच गए बड़ा पानी। तो फाइनली हम लोग पहुंच गया है अभी उमियाम, उमियाम लेक, और ऐसे भी उसको ही शायद बड़ा पानी भी बोलता होगा। कितना अच्छा खूबसूरत नज़ारा है देखो। तो मोस्टली आसाम का ही ज़्यादा आदमी है। वहाँ कहाँ से रास्ता है भाई? तो अभी हम नीचे जाएंगे। पानी बहुत ठंडा है और पूरा क्लीन है। सासा के साथ पहुँच गया अभी, सासा कैसा लगा बोलो? तो बहुत बढ़िया, ये तो बस अभी हमारा शुरुआत है, हम लोगों का पूरा जर्नी में बहुत ऐसे व्यू पॉइंट बहुत मिलेगा। हमारा जो अभी टारगेट है वहाँ तक पहुँचने में अभी अभी बहुत टाइम है, तो टारगेट तक जब पहुँचेंगे तो इससे भी बढ़िया बढ़िया नज़ारा हम लोग आप लोगों के लिए पेश करेंगे। तो चैनल में सब जरूरी रहेगी। तो दोस्त लोग आप लोग भी आइए, थोड़ा इन्जॉय कीजिए गर्मी का मौसम में। तो आसाम में तो इतना मतलब डिग्री सेल्सियस हो गया था, 36-37, तो इतना गर्मी है। तो हमने इसलिए आया थोड़ा मेघालय घूमने के लिए। तो मेघालय के तो बहुत अच्छा लगता है, मेरा ऐसे भी फेवरेट प्लेस है मेघालय। तो पहले भी मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे काम भी कर चुका हूँ उमलोंग में। आप लोग भी आइए थोड़ा इन्जॉय कीजिए, सो ब्यूटीफुल नेचर, नेचर के साथ थोड़ा सा ज़िंदगी को जुड़ना चाहिए।
गाइस अभी हम बोरा पानी से निकलते हैं और आगे के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आएगा वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना सर, थैंक यू। तो आपको जोराबाद से ओनली 65 किलोमीटर में आपको यह लेक मिलेगा, तो आइए आप लोग भी जरूर आइए यहाँ पे, थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं होगा, क्योंकि कुछ दिन बाद और कोरोना भी आ रहा है, तो कोरोना आने से तो मेघालय में पहले स्टिक हो जाता है, आपको टेस्ट करके आना पड़ेगा, तो इसलिए पहले आइए बिना मास्क लगा के, खुद हिल कीजिए आके यहाँ पे, तो ज़रूर आइएगा। बाय बाय।